कहते हैं कि जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तपती हुई गर्मी में पानी की किल्लत पूरे देश में देखी जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मराठवाड़ा गांव से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें महिलाएं 40 फीट गहरे कुएं से पानी निकालकर अपने परिवार की प्यास बुझा रही थी। वहां के लोग एक एक बूंद पानी को मोहताज हैं। हम आपको अपनी रिपोर्ट में नोएडा के जल स्तर के बारे में बताएंगे। नोएडा के घटते जल स्तर के कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, फैलते शहरीकरण और ग्लोबल वार्मिंग, जल का अधिक दुरुपयोग। पिछले दो सालों में भूमिगत जल 2 से 5 फीट नीचे पहुंचा। 2016-2017 में भूमिगत जल स्तर 200 से 250 फीट तक था। नोएडा में पानी का स्तर लगातार कम होता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जमीन से पानी निकालने का कोई माध्यम ना होने से शहर के निवासियों को गंगा जल की सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ पुरानी परंपरा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस वजह से बारिश का पानी भी नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। वहीं अरावली पहाड़ों की तलहटी पर बसे गांव में जल स्तर 800 फीट नीचे पहुंच गया है। वहां के लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि बोरिंग कराने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पानी इतना नीचे चला गया है कि वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। गिरते जल स्तर को रोकने के उपाय, स्थानीय स्तर पर वर्षा के पानी का संचयन करने के लिए परंपरागत स्रोतों को बनवाया जाए, जैसे कुएं बनवाए जाएं। इसके साथ ही बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए संचयन षड्यंत्रों का निर्माण कराया जाए। वहीं गांव के तालाबों झीलों को साफ रखें, ये पानी की आपूर्ति बढ़ाने के सरल उपाय हैं। कई गांव में पानी संचयन के लिए छतों पर लोग बड़े बड़े टैंक लगवा रहे हैं, जिसमें बारिश का पानी जमा हो सके। वहीं नोएडा में 350 षड्यंत्र पानी को जमा करने के लिए स्थानीय लोगों ने बनाया है। आपने देखा कि बढ़ते जलस्तर की समस्या से शहर के लोगों ने पानी को इकट्ठा करने के लिए जल संचयन यंत्र के इन तरीकों को अपनाकर आप पानी बचा सकते हैं। साथ ही अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी को खर्च करें, जिसमें पानी की समस्या कम हो सके। भारत सरकार का जल शक्ति मिशन, इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की। इसका कार्यभार मुख्य रूप से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा गया। यह मिशन 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ। इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों जुड़े। अभियान के तहत बारिश के जल को संचयन करने की कोशिश, इसके तहत 2024 तक हर घर नल देने की योजना। भारत सरकार बढ़ते पानी की किल्लत को देखते हुए एक अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसका नाम है जल शक्ति मिशन। इसकी मुख्य जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है। इस अभियान में पानी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में हर घर नल देने की योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इस योजना में अपना योगदान दे रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के नागरिक को अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।